आज हम इन्वेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़ है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट पार्ट है जिस जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जस्ट उसका इन्वर्स अब हमें क्या पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए, और फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। पहला क्वेश्चन आता है क्यों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भैया जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके थे देन वाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका आंसर यही है, पहले हमें एंगल्स गिवेन होते थे और उसकी वैल्यू हम निकाल लेते थे। अभी क्या है कि हमें एंगल नहीं पता है, ये चीज हमें नहीं पता है। ये मान लिया थीटा है और हमको वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये साइन इधर आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। यानी अगर हमें वैल्यूज पता होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल हम निकालते हैं। इसके लिए हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करें हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम ये सीख लेते हैं तो हम इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको रिलेशन फंक्शन की नॉलेज होनी जरूरी है। रिलेशन फंक्शन क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसकी वीडियोस बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो पहले आप ये जानिए कि रिलेशन प्लस फंक्शन की आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको पढ़िए और हम वीडियोस अपलोड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होना डिसाइड करता है कि फंक्शन हमारा 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। अगर ये फंक्शन है तो ही हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है। कहने का मतलब है कि अगर हमारा फंक्शन 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है तभी हम उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे बेसिक रफली आइडिया ले लीजिए कि इन्वर्स निकालने के लिए 1 1 क्या होता है। पहली बात तो 1 1 फंक्शन होता है। 1 1 फंक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है 1 के करिस्पॉन्डिंग 1। यानी आप अगर x इनपुट देते हो x1 तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो एक ही होगा। अब x2 देंगे तो आपको x1 नहीं मिलेगा, कोई दूसरा नया आउटपुट मिलेगा। यानी एक के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होता है, कोई दूसरा आउटपुट मतलब दो सिमिलर आउटपुट नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि अगर हम x1 दे रहे हैं तब भी हमें y1 मिल रहा है, और x2 दे रहे हैं तब भी हमें y1 मिल रहा है, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी, 1 के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारा 1 1 कंडीशन होती है। भाई हमें इन्वर्स में पता ही नहीं चलेगा ये वैल्यू इसके लिए है कि ये वैल्यू इसके लिए है, तो इसीलिए यूनिक होना चाहिए, सिंपल सा है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जितनी इसकी को डोमेन है उतनी ही उसकी रेंज होनी चाहिए। अब कोडोमेन और रेंज के लिए आपको 11th का रिलेशन फंक्शन तो पता ही होना चाहिए कि जितने एलिमेंट कोडोमेन में थे सारे यूज होने चाहिए, वो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। चलिए इतनी तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। एंगल इज गिवन, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल गिवन होता था, यहाँ पे हमें एंगल की वैल्यू निकालनी, वैल्यू दी होती है और हमें एंगल निकालना पड़ता है। डोमेन ऑफ फंक्शन, जो डोमेन होती है वो इसकी रेंज बन जाती है, जो इसकी रेंज होती है वो इसकी डोमेन बन जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होता है कि साइन एक्स का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि ये वैल्यू अगर हम आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन एक्स, तो दैट इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, और ये वैल्यू इनवर्स नहीं है। यहाँ पे हम ये वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये वैल्यू है एंगल नहीं है, यहाँ पे ये एंगल है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एज एंगल वर्क कर रहा है जिससे थीटा है। यहाँ पे से मान लिया एक्स की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पे एक्स 30 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 किसके करेस्पॉन्डिंग देता है 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे ये चेंज है,
तो इसीलिए दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती। कंफ्यूज मत होना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि उनको याद कैसे रखें, याद करने में दिक्कत होती है। तो मैं इसका शॉर्टेस्ट तरीका बता दूंगा जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। और आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली बात तो ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी, बस आपको पता होना चाहिए डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है। तो डोमेन का मतलब होता है, आप ऐसे ध्यान रखिए, ये होता है इनपुट। आप फंक्शन को इनपुट क्या दे रहे हैं उसके बदले में आउटपुट क्या मिल रहा है, वो हमारी रेंज हो जाती है। भैया जैसे हमने साइन एक्स की वैल्यू 30 डिग्री दी तो आउटपुट क्या मिला मेरा 1/2। तो एक्स जो है 30 डिग्री थी वो हमारी डोमेन का पार्ट था और जो आउटपुट मिला है वो हमारी रेंज का पार्ट था। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यूज फॉर फंक्शन, किसी किसी भी फंक्शन की अगर हम बात करें तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए एक्स हमारा इनपुट होता है, तो ये हमारा डोमेन का हिस्सा हो गया, और ये हमारा आउटपुट होता है तो ये हमारा रेंज का हिस्सा हो गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको कि जो इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को वो हमारा डोमेन है और जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारी रेंज है। अब याद कैसे रखना है, अगर आप ग्राफ की नॉलेज रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी फंक्शन की, तो आपकी आप उस फंक्शन की डोमेन और रेंज बहुत इजीली बता सकते हैं सिर्फ ग्राफ देख के। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें साइन एक्स, तो भैया साइन एक्स क्या ग्राफ ऐसे चलता है, 0 पे 0 होता है और ऐसे जाता है और ये ऐसे चला जाता है और इधर भी वो ऐसे जाता है, ऐसे चला जाता है। कहने का मतलब है 0 पे 0 दे रहा है, यानी आप x पे कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हो, देखो हम सारी वैल्यूज दे सकते हैं, कहाँ तक प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर कहाँ तक ले जा सकते थे माइनस इनफाइनाइट तक। लेकिन तो ये हमारी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ऑल रियल का मतलब है प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब उसके बदले में y पे देखो कहाँ कहाँ से वैल्यू आ रही है, सिर्फ प्लस वन और माइनस वन के बीच में ही ग्राफ मूव कर रहा है, तो ये इसकी वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू है, वन y पे ग्राफ किस हाइट तक जा रहा है, और ये x की वैल्यू, x पे ग्राफ कहाँ तक मूव कर रहा है, सब में यही हो रहा है। और ये माइनस क्यों करते हैं, हम वो पॉइंट हटा देते हैं जिन पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/x, इस फंक्शन की अगर हम डोमेन पूछे तो क्या होगी, आप x की वो वैल्यूज हटा दीजिए जिस पे हमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, मतलब इनफाइनाइट हो जाए, जिस पे हम वैल्यू डिफाइन ना कर सके, एक डेफिनेट वैल्यू ना बता सके। इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट हम बोलते हैं एक्चुअली में ये अनडिफाइंड नंबर है, इतना बड़ा नंबर जिसको हम लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो अनडिफाइंड नंबर होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। कहने का मतलब है कि अगर हम इस फंक्शन में y इज इक्वल टू x में x की कौन सी वैल्यू है जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, वो है 0। तो अगर हम 0 हटा दें तो ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। भैया हम 0 नहीं रख सकते, बाकी सारी वैल्यूज रख सकते हैं, हमको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, वो भी डेफिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसी फंक्शन में ये जो माइनस किए गए हैं, ये जो माइनस किए गए ये वो वैल्यूज हैं जिन पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए टैन एक्स होता क्या है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। कॉस 0 कहाँ होता है, 90 के मल्टीपल में। ठीक है, जहाँ पे भी 90 का मल्टीपल आता है वहां पे साइन कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसका अपोजिट सेक्स 0, यहाँ पे देखिए ये कॉसेक क्या होता है, 1/sin, साइन एन पाई पे 0 होता है। इसी तरीके से ये एलिमेंट सारे हटा दिए गए ताकि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, और ये उसी तरीके से डोमेन रेंज हो जाती है। इनवर्स के लिए आप क्या है, अभी हमने उल्टा कर दिया, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। तो भैया पूरी पूरी क्यों नहीं लिखी, यहाँ पे ऑल रियल था तो यहाँ पे भी ऑल रियल होना चाहिए। उसका तरीका क्या है भाई, जब हमने रेंज पूरी पूरी डोमेन में बदल दी है तो डोमेन भी हमें पूरी पूरी रेंज में बदल देनी चाहिए थी। भाई सिंपल सी बात है, उल्टा कर रहे हैं ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को इनवर्स लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स
भाई यही तो फंक्शन हो गया, इनवर्स निकालना है। सॉरी, अब ये क्यों हो रहा है हमसे? इतनी सी, इतनी रेंज, इतनी इतना डोमेन का हिस्सा क्यों ले रहे हैं? इसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक पॉइंट आपको यहाँ पे छोड़ा था जो मैंने लिखवाया था कि इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी डोमेन में 1 1 नहीं होता है, तो उसको 1 1 बनाने के लिए हम ये सब काम करते हैं। कैसे? अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स हमारा ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे जाता है। तो अगर आप एक्स के पैरेलल लाइन खींच दो, कि देखो ये लाइन कई जगह कट करती है, यहाँ भी कट कर रही 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 है, तो जो भी फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है तो वो 1 1 नहीं होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ग्राफ बनाइए, लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो लाइन कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो पहली बात तो ये 1 1 नहीं था, तो हम इनवर्स भी नहीं निकाल सकते थे। तो फिर हमने किया गया इसको 1 1 बनाने के लिए, आप जरा इस रीजन को देखिए, सिर्फ इतने पार्ट को, ये वैल्यू होती है पाई बाई टू और ये वैल्यू होती है माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, सिर्फ इतने पार्ट को, यानी ये वाला रीजन, सिर्फ इतना रीजन मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रीजन यहाँ पे, यानी कि इतने हिस्से को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये है माइनस पाई बाई टू और ये है मैक्सिमम प्लस पाई बाई टू, इतनी हाइट तक जाता है। अगर अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो ये 1 1 हो गया। और जितना इनपुट हम ले रहे हैं उस पे यूनिक आउटपुट ही आएगा, ठीक है। तो 1 1 कंडीशन पूरी हो जाती है। और आउट ऑन टू कंडीशन क्या होती है? -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज हम कवर करेंगे। आप वाई पे ग्राफ बनाते चले जाओ, एक एक वैल्यूज इसका हिस्सा आएंगी, यानी को डोमेन रेंज के इक्वल हो जाती है। तो जो ऑल रियल था उससे हमने माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू का हिस्सा ही बाहर निकाला, बाकी हिस्सा हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस फंक्शन को हमने 1 1 और ऑन टू बनाना था। ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये चीज आप समझ लीजिए तो इससे काफी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। और इन्हीं बेसिक चीजों को हम अवॉइड करते हैं जिनसे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई मेन्स हो गया आपका, एनडीए वगैरह हो गया, उन सब एग्जाम्स में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिएगा, प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, इनसे हम जो पार्ट्स अवॉइड करते हैं, जैसे रिलेशन फंक्शन कई बच्चे अवॉइड कर देते हैं, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए, थोड़ा सा ग्रैब करिए, इजिली क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट हो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि हम ये इतना हिस्सा क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमें फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाना था, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं पीछे, यहाँ पे देखिए, ये पूरा पूरा हिस्सा ऐसे कॉपी हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। रेंज पूरी पूरी डोमेन में बनेगी, आप सब चीज देख सकते हैं, ये जो है एज इट इज कॉपी हो रही है, ये दोनों एक ही हैं। आपको कि ये सर ये दोनों का डिफरेंट पैटर्न लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है कि ये और ये दोनों सेम है, इसीलिए ये और ये दोनों सेम है। ऑल रियल में से -1 हटा दो, या माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट तक कर लेंगे तो -1 से 1 के बीच का पार्ट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज है, अब इस पूरी को याद रख, ये चीज तो आप याद रखिए, जैसे डोमेन है तो आप सोचो पिछले वाली की रेंज कितनी थी, जैसे इसकी ये रेंज साइन एक्स की -1 से 1 थी, तो इसकी इसकी डोमेन -1 से 1 हो जाएगी। टेन एक्स की रेंज कितनी थी ऑल रियल, ठीक है, आउटपुट हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आता है, तो इसकी डोमेन ये हो जाएगी। बात करते हैं रेंज, अब इनवर्स फंक्शन के लिए आपकी डोमेन मैटर नहीं करती, आपकी रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप एंगल कौन से कौन रख सकते हो, कौन सी वैल्यू आ सकती है वो ध्यान रखना। आपके लिए बस आप दो चीजें ध्यान, इतना तो याद कर ही सकते हो, ये सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा आपको सिर्फ इन दो से,
यानी साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन रेंज कितनी होती है, ये क्लोज ब्रैकेट है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और कॉस की कितनी है जीरो से पाई, ये याद रखिए आप। यानी दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है ये साइन की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और एक कॉस की वैल्यू जीरो से पाई, और दोनों क्लोज ब्रैकेट है, यानी एंड पॉइंट कंसिडर करने। चलिए पहली चीज साइन की कितनी होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, ये इसकी रेंज होती है, यानी इसका जो जो आउटपुट आएगा साइन इनवर्स एक्स का वो इसी बीच में लाई करता है। तो अब साइन साइन का अपोजिट और साइन ऊपर किस में आता है, ऊपर का मतलब है न्यूमरेटर, तीनों इसी से रिलेटेड होंगे। पहली बात, पहली चीज साइन साइन का अपोजिट साइन ये है, साइन का अपोजिट ये है, ठीक है, साइन का अपोजिट ये, देखिए तीनों में यही वैल्यूज हैं, कुछ चेंजमेंट हुआ है। पहली चीज ये जिसमें साइन ऊपर आता है वो सेम यही है टैन वाले में, और ये क्या है साइन का अपोजिट है, भैया जब हम उल्टा लिखेंगे तो इसे साइन वन अपॉन एक्स करेंगे तो हमें पता है एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, साइन का उल्टा वन अपॉन कॉसेक होता है, तो जहां पे साइन जीरो हो रहा है वहां पे कॉसेक डिफाइंड होगा, वो जीरो पे जीरो होता है, तो इसमें से हम जीरो हटा दे रहे हैं, और ये साइन होता क्या है साइन अपॉन कॉस, इन पे देखिए साइन अपॉन में कॉस होता है ना, कॉस जीरो जहां पे होगा वहां पे टैन डिफाइंड नहीं होगा, वो इन्हीं वैल्यूज पे जीरो होता है, तो हमने ये वैल्यूज हटा दी, ठीक है। चलिए हम इधर याद रखते हैं, पहली चीज हमने क्या देखा कि जहां जहां पे साइन जीरो हो रहा था साइन की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट था। अब एक होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है साइन का अपोजिट, तो ये तो यही रहेगा, बस आप देखो इनके बीच में साइन कहीं जीरो होता था क्या, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में कहीं अगर साइन जीरो हो गया तो साइन का उल्टा ही क्या होता है कॉसेक एक्स, भैया जहां ये जीरो हो जाएगा वहां कॉसेक तो हम लिख ही नहीं सकते, तो कॉस ये जीरो कहाँ होता है, ये जीरो भैया जीरो पे ही होता है, तो इनके बीच में जीरो लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, तो आप इसको हटा दीजिए, बस यही इसकी वो हो जाएगी रेंज। टैन इनवर्स एक्स क्या होता है, अब टैन इनवर्स एक्स याद रखने के लिए आप इतना ध्यान रखो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है टैन एक्स, ये चीज तो आपको बहुत ही याद याद होगी, और ये जीरो कहाँ होता है 90 के मल्टीपल्स पे, तो इन पे ये जीरो होगा तो हम इनको नहीं ले सकते, यानी आप इनको ओपन कर दीजिए, ठीक है, बस ये इतनी चीजें हो गई। आप साइन की याद रखिए, साइन से रिलेटेड जितने भी पार्ट है उनकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। चलिए दूसरी चीज देख लेते हैं, कॉस की कैसे याद रखनी है, कॉस की क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स होता है जीरो से पाई, चलिए ठीक है अच्छी बात है, इसका अपोजिट होता है सेक इनवर्स एक्स, तो भैया सेक इनवर्स एक्स की यही हो जाएगी, बस आप इतना देखो क्या इनके बीच में कॉस कहीं जीरो होता है, क्योंकि कॉस एक्स का वन अपॉन करने पे हमको क्या मिलता है सेक एक्स, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, और हमें पता चला भैया ये 90 पे जीरो होता है तो हमें 90 हटाना पड़ेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज कॉट इनवर्स एक्स, ये कॉट इनवर्स एक्स जो होता है जिसमें ऊपर कॉस आता है और नीचे साइन आता है, ठीक है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो कहाँ होता है, ये जीरो होता है जीरो पे और पाई पे, तो ये वैल्यू आएगी जीरो टू पाई, बस ये याद रखना। तो आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा, आप देख सकते हैं मैं ये सब क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए साइन एक्स की ये है, ये साइन है, ये टैन है, क्योंकि कॉस जीरो नहीं होना चाहिए, और ये उसका अपोजिट है, ये कॉस है तो ये कॉस का अपोजिट है, ठीक है, और ये कॉट है, आप सिमिलैरिटी देख लीजिए, बस आप
दो चीजें याद रखनी है, साइन और कॉस, बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी।